जब निमिकिया छुटकी थी तो तुम ना अपने हाथ से ना लाते थे, आज देखो निमकिया तुमको नहला रही है। अरे भाई अभी तो पूरा स्पा सेशन बाकी है। ए मनु, पापा का पेट अच्छा से रगड़ो। हाँ तुमने कल चलाओ भाई। अच्छा हाँ हाँ चलाते रहिए ना। मोनू क्या कर रहे हो तुम? पापा का पीठ अच्छे से रगड़ो। बच्चे कैसे रगड़ेगा, हम रगड़ देते हैं। हाँ अरे भाई बैठो, यहाँ बैठो, चुपचाप बैठ के चाय पियो अपना, आने की जरूरत नहीं है यहाँ। चाची गए सबका सामने, हमारे चाचा का इज्जत लूटोगी क्या तुम? डायमंड हिम्मत कर, थोड़ा मोड़, डायमंड रहने दे बाबू। अरे बहुत दुख रहा है। अरे सासू जी, एक 2000 का नोट तो पकड़ा ही इनका मुट्ठी में, देखिए फिर ऐसे कस लेते हैं मुट्ठी को। एकदम चुप रह, न तो हथौड़ी लेके अभी तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। अरे क्या हुआ हमारा, चिल्ला कह रही है? अरे कुछ नहीं बाबू जी, निमकिया जो हाथ तोड़ दी थी ना डायमंड का, वही चेक कर रहे थे थोड़ा। उनकी हाथ तोड़ दी थी बताना जरूरी है? ताना दे रहा हमको। अरे नहीं बाबूजी, हम तो बस का निमकिया नहीं तोड़ी थी का भैया? ये सब लोग छोड़ो अभी डायमंड को, दवा लगा देते। बस बस बस। ए! एकदम आवाज नहीं निकालना, काय का मर्द है? सच में इतना छोटा सा चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? इतना सा चोट नहीं है, चोट यहाँ लगा है, यहाँ। बस अंतर बेटा, एक एक चीज का हिसाब लेंगे गिन गिन के। का हिसाब लीजिएगा बाबूजी आप? एक हफ्ता से आपका छोटा बेटा दिन रात दर्द में कराह रहा है, क्या कर लिए आप? ना तो खुद कुछ कर रहे हैं, ना ही हमको करने दे रहे। तो का चाहते हो तुम, जाके घाटोला में आग लगा दे? वैसे कहते तो रहते हैं बाबूजी कि घाटोला में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब बाबूजी वैसे आप लोग को कुछ करना चाहिए, ऋतुराज जी कहे थे ना कोर्ट जाने के लिए, कम से कम वही कर लीजिए, कहीं तो निमकी का हार हो, ऐसे तो वो निमकी जीतती जाएगी आप लोग से। कब तक छाती पीट कर अपना दर्द जताते रहोगे बब्बू? अरे वाह, पापा तो एकदम शाहरुख खान लग रहे हैं। काम हुआ?
पापा कहाँ चले पहले? नदिया किनारे। आए, आए। पापा आप अभी तक बहुत रोमांटिक हैं। चलिए ठीक है, नदिया किनारे जाएंगे। अरे लेकिन ये कहाँ है भाई? पापा का बाल कंघी नहीं किए तुम तुमने? अरे निम्की हम ना भूल गए, मुनु जाओ कंघी लेकर आओ, जल्दी से कंघी लेकर आओ। ए भाई तुम लोग जहाँ भी जाओगे ना हम भी चलेंगे, कह दे रहे हैं। ए राम बच्चन निमिकिया को पहले ही कह दो तुम। नहीं पापा आप फिर रोने लगे। अरे भाई आप इतना इमोशनल लाते कहां से हैं? अरे भाई हमको देखिए, हम रोते हैं का? पापा आपको पता है ना आई हेट टीयर्स। चलिए अब कोई रोना धोना नहीं होगा, आज आज हम सब लोग मिलके मस्ती करेंगे पूरा फैमिली। बाहर घूमने जाएंगे नदिया किनारे। और हाँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए चाची को भी साथ ले चलेंगे। खुश? ए इका बोली? अरे तुमको भी लेकर जा रहे हैं चाची, जाओ ना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन कर आ जाओ तुम्हें। जाएंगे तुम लोग का कोनो भरोसा नहीं है कि हमको ही ये छोड़ दोगे और खुद चले जाओगे, हम ऐसे ही जाएंगे बस। चाची नहीं जाएंगे हम, तुम जाओ जल्दी से जाके कपड़ा बदल के आओ। हाय हाय पापा आज तो चाची एकदम अनार कली बन के आएंगी। मगर ये चिट्ठी आया है आपके नाम, तेतर सिंह का आदमी दे गया है, कह रहा था ये आपके नोटिस का जवाब है। का है निम्की जरा देखो तो इसको, पढ़ पढ़ो तो। दीदी का है इसमें पढ़ो। स्वीटी अरे वो दामाद जी कहाँ चले गए? सुबह नाश्ते पे भी नहीं दिखे। कहीं बैठ के गपिया रहे होंगे। अरे कोनो काम के नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं हमारे साथ गैस एजेंसी में लगवा दीजिए, कम से कम कुछ दिन काम तो करेंगे। आरडब्ल्यू भैया किसको गैस एजेंसी में रखवा रहे हैं? अरे कहा महाराज आप जो कहे थे कि निमकिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा करना है, कहा हुआ उसका? अरे ससुर जी कानूनी काम है, थोड़ा समय लगता है। कितना समय चाहिए जी? हफ्ता भर से ऊपर हो गया, आप तो कुछ नहीं किए और छोड़ी खुला घूम रही है। कल्ले भी हवेली के सामने से गुजरी थी। अरे पर्वतिया जी, जी मालकिन वो गांव वाला लोगों को लेके हवेली के साथ फोटो भी खिंचा रही थी। सुने आप लोग, वो लड़की का इतना हिम्मत बढ़ गया है, कल को हवेली में आकर हम सबका बेइज्जती कर देगी। अरे बोलिए ना, चुप काहे हैं? जबर बेसरा में आप जीजा जी काहे अच रहे? अरे सब कर दिए हैं काम, आप लोग इतना बड़का जिम्मेदारी सौंपे हैं, निभाना तो पड़ेगा ही ना जी। करारा जवाब दिए हैं वो निमकिया को, ये देखिए तो काफी है, असली चिट्ठी ना पंचायत में भिजवा दिए हैं। कौन सा चिट्ठी भाई? भाई वो चिट्ठी भेजी थी ना हम लोगों को पंचायत से,
उसका जवाब तो देना ही था, नहीं तो कल को अदालत में बोल देगी कि लोग पंचायत का बात ही नहीं सुनते। अरे मैटर हम लोगों के खिलाफ जा सकता है, इसीलिए वो चिट्ठी जो आप फाड़ कर फेंक दिए थे ना, उसका जवाब दे दिए हैं। बस यही करते रहिए आप और कुछ नहीं होगा। ए, 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 साले साहब, साले साहब, ये तो बात ही नहीं सुनते हैं कुछ। ले लीजिए बाबूजी, भेजे थे संजीवनी का पहाड़ लाने को, लाए कहाँ है, मिट्टी का ढेला। कसम से दामाद जी, आप जो है ना, मतलब एकदम में लोल है, कौनो काम के नहीं है महाराज। अरे पहले आप लोग चिट्ठी का मैटर तो सुन लीजिए, फिर देखिएगा कि हम कितना काम के हैं और कितना नहीं। सासू जी आप भी सुन लीजिए, मन गदगद हो जाएगा। जो जवाब दिए हैं ना, वो पूरा पंचायत समिति पढ़ेगा और फिर वो निमकी का क्या होगा ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ तो पढ़ भी दीजिए। हाँ आदरणीय मुखिया जी, आशा है कि पंचायत भवन में सब कुशल मंगल है। आपके भेजे हुए आदेश का ये जवाब हमको विनम्रता पूर्व प्रस्तुत करते हैं। जो इल्जाम घाटोला की राम बच्चन जी की सुपुत्री श्रीमती नमकीन सिंह उर्फ निमकी बब्बू सिंह पे लगाई है, इस मामले में हम पंचायत में कोई भी जवाब नहीं दे सकते। हम ये मामला अदालत में सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत में मुद्दा भी वही है और फैसला करने वाली मुखिया भी वही है, और वैसे भी पंचायत में पूरे गांव के सामने हम किसी लड़की जात को बेइज्जत नहीं करना चाहते। कब बेइज्जती करेगा वो लोग? अरे महुआ पहले उसको पढ़ने तो दो। बस हम लड़की जात का इज्जत करते हैं। और हम नहीं चाहते कि पूरे समाज में राम बच्चन जी की बेटी निमकी का बदनामी हो। हम नहीं चाहते कि पूरे समाज के सामने हम ही कह दे कि उसका चरित्र कैसा है। अरे निमकी आगे का है, पढ़ो ना भाई। निमकी पढ़। आदरणीय मुखिया जी, आप क्या चाहती हैं कि हम पंचायत में आके सब गांव वाला के सामने ई बता दें, नमकीन कुमारी उर्फ निमकी को हम लोगों ने हवेली से इसलिए निकाला कि विवाहित होते हुए भी उनका किसी और मर्द के साथ नाजायज रिश्ता था? सोचिए राम बच्चन जी को जब ये बात का पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। इसे अदालत में हम जरूर बताएंगे कि निमकी जी का अपने साथी टुन्ने। टुन्ने के साथ अदालत में हम जरूर बताएंगे निमकी जी का अपने साथी उन्ने के साथ नाजायज रिश्ता है। अपने असली संबंध के चक्कर में निमकी ने कभी हमारे बब्बू सिंह को
अपना पति तक नहीं स्वीकारा। ये बात हम लोगों के लिए भी बेइज्जती का है, मगर अदालत में ये तो कहना ही होगा। सत्य कड़वा है, मगर अब हम और कितना छुपाएंगे? और हमको तो शक है कि वो बच्चा भी गिराई है छुपके। इतना घटिया इल्जाम लगाए हैं आप, कहाँ सब फालतू का बकवास लिख दिए हैं? है जब कहा चाहते हो निमकिया के यहाँ बुला के पूजा करें? बाबूजी, इतना गंदा इल्जाम लगाएंगे तो हमरा ही ना बेइज्जती होगा। आखिर थी तो हुई हवेली की बहू। नहीं थी बहू, उसका औकात है ये हवेली की बहू बनने का। बहुत अच्छा लिखे हैं दमाद जी। थैंक यू। वो घाटोला वाली छौड़ी को गांव भर में बेइज्जत करने का यही सबसे अच्छा तरीका। अरे हे, देख बाबू, दामाद जी कैसे धज्जी उड़ाए हैं निमकिया के चरित्र के। ये सब आप ही कीजिए जीजा जी, हमको तो निमकिया से जैसे निपटना है हम वैसे ही निपटेंगे। हम तो कहते हैं ना कि ये जो लिखे हैं पूरा गांव भर में सब लोग को बंटवा दीजिए। अम्मा, ये क्या बोल रही हो? एक औरत होके एक लड़की पर ऐसा गंदा इल्जाम? ए ए, पर की दिलिंग प्रेशर ले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम यहीं कहीं गोली मार देंगे। आप काहे बीच में बोलते रहते हैं जी? हाँ, और आपको भी हवेली से प्यारा वो निमकी का इज्जत हो गया है। वैसे जीजा जी, वो निमकिया तो बेसरम है, उसे कुछ फर्क पड़ेगा का? मानते हैं छोटे साले साहब, मुखिया निमकी बहुत ही मोटी चमड़ी की है, पर उसका बाप, उसका बहिन भी तो है, और छोटका भाई मोनू, वो सब लोग सह पाएगा का? क्या पढ़ रही हो तुम? क्या पढ़ रही हो? कोई फाड़ के फेंकने के लायक चीज है? हम सोचे भी नहीं थे कि वो लोग इतना नीचे गिर जाएगा। उनका हिम्मत। चलो हवेली। शांत हो जाइए, क्या कर लीजिएगा हवेली जाके, लड़ जाइएगा। पापा, बात ताकत का नहीं रहा है, ये लोग अब इज्जत पे आ गए हैं तो हम भी देख लेंगे ना। कहाँ देख लोगे निमकी, देख नहीं रही हो कितना नीचता पे उतर गया है वो लोग? पूरा समाज में तुमको बदनाम कर देगा सब। चाची, अगर बदनामी हमरा होगा ना तो वो लोगों का भी होगा। निमकी, अरे जर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग को कमीनापन समझती हो है? कमीनापन पे उतर आया वो लोग। नहीं टुन्ने, उन लोग भी डर गया है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है का? मतलब ये कि अगर वो नोटिस का जवाब दिए हैं, वो भी ऐसा जवाब कि वो लोग भी अपना बदनामी और बेइज्जती से डर रहा है। उन लोग कमीना है, उनको हवेली ले चलो। तेजर सिंह का मुंह नोच ले गए हम। पापा, क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलिए अंदर, क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए पापा। देखिए, आप लोग ना हमारा मूड ऑफ कर रहे हैं। अरे बाहर नहीं जाना है घूमने, नदिया किनारे। ए चाची, जाओ अपना नायका वाला साड़ी पहन के आओ, तो जाओ रेडी हो जाओ भाई। और हमारे पापा के लिए ना
नदिया किनारे एक अच्छा वाला गाना भी गा देना, रोमांटिक वाला, हमारे पापा खुश हो जाएंगे। चलिए पापा चलते हैं भाई, और कितना भेंट करे। चलो चलो आज तो नदिया किनारे। है आप लोग का, खुद तेतर सिंह और उसका वकील दामाद कुछ बोल देगा तो आप लोग उसको दिल पे लगा लेंगे, सच मान लेंगे? आप लोग भी अजीब हैं। ए निम्की, थोड़ा समझ बेटा, पूलो तुमको पूरा गांव में बदनाम कर देगा। निम्की चलो चलो अभी मन्नू बाबू के पास, करारा जवाब देंगे तेतर सिंह के नोटिस का। करारा जवाब देने से अगर आप लोग का मन को शांति मिलेगा ना, तो अभी दे देते हैं करारा जवाब। मतलब? मतलब की भेंट एंड बाज। अब देखिएगा निम्की मुखिया का स्टाइल।